भगवान बुद्ध किसी यात्रा पे जा रहे थे, तभी उन्हें प्यास लगी, इसलिए उन्होंने एक शिष्य को झील से थोड़ा पानी लाने को कहा। जब शिष्य झील के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि कुछ लोग झील में कपड़े धो रहे थे। तभी अचानक वहां से एक बैलगाड़ी उस झील से गुजरी। ऐसे में झील का सारा पानी गंदा हो गया, इसलिए वह खाली हाथ ही वापस आ गया और बुद्ध को सब कुछ बता दिया। बुद्ध ने कहा, चिंता मत करो, हम सब यहीं पेड़ की छाया में विश्राम करते हैं।